छत पे जाके सब कुछ सुखा देते ना, नीचे होता तो हल्का लगता है ना, तो बहुत परेशानी है। मतलब ना ऊपर आगे में बिल्ली का पाँव नहीं दिखती। Today, in the subject of the manufacturing process, we are carrying out Unit 6. The syllabus of the Unit 6 is the additive manufacturing, rapid prototyping, and the rapid tooling. And the 3D desktop printing, this is known also as the printer, is the one of the additive manufacturing process. Hence, today we discuss about the 3D manufacturing process. 3D desktop printer, this is just like a printer. आपने जो कंप्यूटर में लगा हुआ प्रिंटर आपने देखा होगा, बिल्कुल वही प्रिंटर है और डेस्कटॉप से आपको लगा हुआ रहता है। पहले मैं आपको उसका फिगर आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये रहा आपको 3D प्रिंटर, देखिए ये रहा आपका 3D प्रिंटर, ये आपको डेस्कटॉप से लगा हुआ है और ये 3D प्रिंटिंग मशीन है, अंदर में प्रिंट हो रहा है। और ये रहे सारे 3D प्रिंटिंग के और है ना, ये रहा आपके 3D प्रिंटिंग के ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपको बनाए गए हैं, देखिए कितने कॉम्प्लेक्स शेप है और इसमें कोई असेंबली नहीं है, ये असेंबली नहीं है, सारा एक आइटम है, एक प्रोडक्ट है। ये आपको 3D प्रिंटिंग का, ये देखिए कितने कॉम्प्लेक्स शेप है और ये सारे आपको 3D प्रिंटिंग से आपको बन जाते हैं। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, आपको 3D प्लस प्रिंटिंग, इसका नाम ही है 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग इज ए फॉर्म ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, वेयर ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जहां पर कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मैंने आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का फिगर दिखाया, बाय लेइंग डाउन द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ द मटेरियल, आपको लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करके आपको ये बनाया जाता है, ये आपको 3D प्रिंटिंग है ना। इट इज आल्सो नाउन एज रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग के नाम से भी जाना जाता है ना, इसका दूसरा नाम रैपिड प्रोटोटाइपिंग है। आपको इज ए मैकेनाइज्ड मेथड वेयर द 3D ऑब्जेक्ट आर क्विकली मेड, है ना, क्विकली मेड ऑन ए रिजलेबल साइज मशीन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर कंटेनिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको मशीन आपको दिखाया, आपको ये आपको क्विकली जो है बनाता है, इसलिए इसको रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं। दिस रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ क्रिएटिंग 3D मॉडल्स विद द यूज ऑफ द इंकजेट टेक्नोलॉजी,
जो इंकजेट टेक्नोलॉजी, इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं ना, बिल्कुल इंकजेट टेक्नोलॉजी का आपको कॉपी है, जो प्रिंटर आपको लगा हुआ रहता है वही है। और ये आपको टाइम को सेव करता है, कॉस्ट को सेव करता है, और इलिमिनेटिंग द नीड टू डिजाइन, डिजाइन को करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड प्रिंट एंड ग्लू टुगेदर सेपरेट मॉडल पार्ट्स, है ना। द बेसिक प्रिंसिपल्स इंक्लूड द मटेरियल कार्टेड, फ्लेक्सिबिलिटी आउटपुट एंड ट्रांसपोर्ट कोड इनटू ए विजिबल पैटर्न। ये आपको 3D प्रिंटिंग है, लेयर बाय लेयर आपको 3D मॉडल्स आपको इसमें बनाया जाता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे लेयर का फॉर्म होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, आपके पास वीडियो पड़ा होगा, फिर से उसको दोबारा देख लीजिए, आप उसको पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इट कैन मेक फिजिकल मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आदर डिजाइन बाय द CAD प्रोग्राम, CAD प्रोग्राम और द 3D स्कैनर से स्कैन करके ये आपको 3D प्रिंटिंग आपको ये बनाता है ना। इट इज यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ द इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्री में देखिए आपको यूज होता है, ट्रेमेंडस यूज है वर्ल्ड में इसका। ज्वेलरी बना सकता है, फुटवेयर इंडस्ट्री में काम आ सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में काम आ सकता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में भी काम आ सकता है, इससे बिल्डिंग भी, एक बिल्डिंग खड़ा करने की बात की आ रही है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी काम आ सकता है, ऑटोमेटिव में आपको पूरा इसका यूज हो रहा है, ऑटोमेटिव में, एरोस्पेस में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, डेंटल एंड मेडिकल इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और एजुकेशन एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ये आपको काफी रिवोल्यूशन ला दिया है। और मैं आपको बहुत सारा अभी प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो कि आपको यहाँ पर आपको 3D प्रिंटिंग से आपको बनाया जा रहा है ना। आपको 3D प्रिंटर, ये आपको 3D प्रिंटर आपको दिखाया जा रहा है, 3D प्लस प्रिंटिंग, ये आपको 3D प्रिंटिंग मशीन है, और बस यही मशीन है जो आप देख रहे हैं, यही है, यही मशीन है, और आपको ये कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है ना। 3D प्रिंटिंग इज ए फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डिजिटल फाइल यूजिंग ए मटेरियल प्रिंटर, एक मटेरियल प्रिंटर को यूज करके ये आपको 3D ऑब्जेक्ट आपको बनाया जाता है, इन ए मैनर सिमिलर टू द प्रिंटिंग इमेज ऑफ द पेपर, प्रिंटिंग इमेज ऑफ द पेपर के आधार पे इसको तैयार किया जाता है ना। तो ये आपको प्रिंटिंग प्रोसेस है ना, प्रिंटिंग प्रोसेस है, ये आपको प्रिंटिंग प्रोसेस है, और प्रिंटिंग इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूसिंग द रिप्रोड्यूसिंग द टेक्स्ट इमेज टिपिकली विद ए पेपर यूजिंग द प्रिंट प्रेस। आपको प्रिंट प्रेस में आपको जिस तरह रेडी किया जाता है वो आपको प्रिंटिंग प्रेस है ना। हिस्ट्री ऑफ द 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग का आपको हिस्ट्री क्या है, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, द टेक्नोलॉजी फॉर द प्रिंटिंग फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डिजिटल डाटा वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द चार्ल्स हिल्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन द 1984। यूनाइटेड किंगडम ने बहुत सारे मशीनें को, आपको जन्मदाता उसको बोलते हैं, वहां पर ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, नई नई जो है इन्वेंशन होता रहता है, इनोवेशन जो हो रहा है ना वो आपको कैम्ब्रिज में ही हो रहा है, ऑक्सफोर्ड में ही हो रहा है वर्ल्ड में। तो चार्ल्स हिल ने आपको यूनाइटेड किंगडम में 1984 में आपको 3D प्रिंटिंग का आपको इन्वेंशन किया। ही नेम्ड द टेक्निक एज ए स्टीरियोलिथोग्राफी एंड ऑब्टेंड ए पैटर्न फॉर दिस इन 1986 में पैटेंट करा दिया। पैटेंट होता क्या है, इसके कई वीडियो हमारे आते हैं, आप पेटेंट और मनोज कुमार नाम करके आप टाइप कर दीजिएगा गूगल में, आपको पेटेंट आपको पता चल जाएगा कि पेटेंट होता क्या है। पेटेंट करा लेने के बाद ना उसको राइट हो जाता है कि ना तो कोई उसको बना सकता है, ना तो कोई उसको सेल कर सकता है, ना तो कोई उसके बिना ऑर्डर का आप कुछ कर सकता है। तो पेटेंट
जो है आपके हमारे कई वीडियो आते हैं, पेटेंट पे हमारी बुक भी आती है, आप उसको गूगल में सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो पेटेंट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। आपको स्टीरियोलिथोग्राफी सिस्टम हैज बिकम पॉपुलर बाय द एंड ऑफ द 1980। स्टीरियोलिथोग्राफी का मैंने पिछली क्लास में भी लेक्चर लिया हुआ था, है ना। अदर सिमिलर टेक्नोलॉजी एज द फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग एंड सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग वाज इंट्रोड्यूस। ये आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये जो है मेथड वो आपको बताया गया था, है ना। करंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे करंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, सिलेक्टिव लेजर प्रिंटिंग, स्टीरियो लिथोग्राफी, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग एंड लेमिनेटेड ऑब्जेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। ये सारे आपको 3D प्रिंटिंग टेक्निक है और ये अभी मैन्युफैक्चरिंग का एज में आपको इवोल्यूशन ला दिया है। ये आपको दिखा रहा है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये मशीन आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना। इजी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक दैट यूजेज हाई पावर लेजर। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन डाइऑक्साइड लेयर टू यूज द स्मॉल प्लास्टिक ऑफ द मेटल एंड द सिरामिक और द ग्लास पाउडर इनटू ए मास हैव ए 3D शेप। ये आपको सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का आपको फिगर आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। ये आपको सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का मेथड आपको दिखाया जा रहा है। और नितेश जी क्या हाल है? बढ़िया सर। हाँ, मैं आप 3D प्रिंटिंग कह रहे थे ना, तो मैं आप लेट हो गए, मैं 3D प्रिंटिंग का ही मैं आपको लेक्चर्स मैंने शुरू कर दिया। कोई बात नहीं सर। हाँ, तो वो 3D प्रिंटिंग का ही जो है ना, मैं आपको लेक्चर आपको बता रहा हूँ। ये आप किस तरह एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देना सर, जो मतलब किस तरह से वर्क करता है 3D प्रिंटिंग। हाँ, वही तो मैं कह रहा है कि मैं आपका वेट कर रहा था। अब मैंने 3D प्रिंटिंग का ही मैं जो है यहाँ पर आपको जो है शुरू किया गया था। ये आपको पहला इसमें मॉडल जो है 1984 में, है ना, आपको यूनाइटेड किंगडम में आपको चार्ल्स हुल ने आपको बनाया था और 1986 में इसको पेटेंट करा लिया था, है ना, 3D प्रिंटिंग मशीन को। तो ये जो है आपको वहां पे बना था और ये आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको मशीन है और ये देखिए काम कैसे करता है ना। ये स्कैनर है, ये स्कैनर पे आपको फिगर लगा हुआ रहता है, यहाँ से लेजर रे जाता है, लेजर उसका फिगर देखता है और यहाँ पे आपको पाउडर लगता है और लेजर जहां जहां पे जाता है ना वहां वहां पे उसको सॉलिडिफाई कर देता है। पिछले बार भी मैंने आपको आपको बात किया था, तो ये आपको यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। इच लेयर पिस्टन गोज अप, है ना, इच लेयर पिस्टन गोज डाउन। एक लेयर बना ना, ये पिस्टन आपको डाउन चला जाएगा, एक लेयर बना ना, ये पिस्टन आपको ऊपर चला जाएगा, है ना। यहाँ पे रोलर है, रोलर से आपको मटेरियल आपको यहाँ पे जा रहा है। ये आपको पाउडर है, ये आपको जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है वो आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको मैन्युफैक्चर्ड पार्ट आपको दिखाया जा रहा है और ये पाउडर आपको दिखाया जा रहा है। जहां जहां पे आपको लेजर गिरेगा उसको सॉलिडिफाई कर देगा, है ना। एक लेयर बनेगा, ये पिस्टन आपको डाउन चला जाएगा, एक लेयर बनेगा, ये पिस्टन आपको ऊपर चला जाएगा, मटेरियल आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो सर पाउडर से मतलब वो लेजर बीम जो जहाँ जहाँ गिरता है वो सॉलिडिफाई कर देता है, स्कैनर पे हम अपना जो भी बनाना रहेगा उस चीज को हम डाल देंगे उसकी। हाँ, मतलब, बिल्कुल। तो सर इसमें मतलब इस टेक्निक से आजकल तो घर बन रहा है, तो वो घर बन रहा है पंद्रह। मैं तो कहा आपको, मैं आपको दिखाया ना कई एप्लीकेशंस मैंने दिखाया आपको जी। बट वो बन कैसे रहा है सर, क्योंकि उसके लिए तो फिर बहुत सारा बड़ा स्कैनर चाहिए हमें। हाँ, तो कैसे बोल ले, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पे मशीन का साइज जो है जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा ही तो आइटम बनाएंगे। अच्छा, उसके लिए फिर घर के लिए बहुत बड़ा मशीन चाहिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल चाहिए। तो वो तो हाई कॉस्ट पड़ता है या लो कॉस्ट पड़ता है सर, नॉर्मल जो हम कहीं घर बनाते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट आपको हाई है, लेकिन उसके जो जो प्रोडक्ट बनते हैं ना
तो चूंकि इसमें पाउडर यूज करते हैं, पाउडर जो है आपको इसमें पाउडर आपको जो आपको पाउडर मेटलर्जी आपने पढ़ा है ना, तो पाउडर मेटलर्जी का पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, पाउडर मेटलर्जी पढ़ा है कि नहीं अभी? नहीं अभी नहीं पढ़ा है। हाँ, तो पाउडर मेटलर्जी में डिफरेंट टाइप के पाउडर सेरामिक्स वगैरह मिला करके कोई भी मेटल को आप यूज कर सकते हैं। तो ये पाउडर किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है सर, किस कौन कौन से मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है ये पाउडर? तो नहीं, पिछले भी क्लास में ही तो मैंने मटेरियल का लेक्चर लिया हुआ था कि उसमें सेरामिक्स भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है ना, उसके कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वो। तो ये सर जिस तरह का प्रोडक्ट हम चाहिए उस पर डिपेंड करता है ये मटेरियल? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप जिस तरह का भी जो मटेरियल चाहिए ना, आप कोई भी मटेरियल इसमें आप यूज कर सकते हैं। कई मटेरियल मैंने पिछली क्लास में भी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी, और पिछली क्लास में भी आपको आपको डिस्कस किया था कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल क्या क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, है ना? आगे बढ़े। यस सर, यस सर। हाँ कोई डाउट है तो आप क्लियर कीजिए। मैं आपको इसीलिए 3D प्रिंटिंग का आपको मैं लेक्चर लेके आ गया। ये जो आपको स्टूडियो लिथोग्राफी है, स्टूडियो लिथोग्राफी का पिछले क्लास में भी मैंने आपको क्लियर आपको मैंने आपको बता दिया था। स्टूडियो लिथोग्राफी में आपको ये जो रहता है ये आपको रेजिन रहता है, स्टूडियो लिथोग्राफी में आपको रेजिन रहता है और रेजिन सोलिडिफाइड रेजिन होता है। ये आपको लेजर बीम गिरता है, ये आपको स्कैनर सिस्टम है। सर आपने बताया था सर स्टूडियो लिथोग्राफी एक मशीन होता है, बट इसमें तो बताया गया है कि वो टेक्निक होता है। नहीं नहीं, मशीन ही तो है स्टूडियो लिथोग्राफी। ये आपको उसके जो प्रिंसिपल्स है ना, कैसे काम कर रहा है वो, अंदर का पूरा प्रिंसिपल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। मशीन ही तो है स्टूडियो लिथोग्राफी। इसे पहले वाले स्लाइड में दिया हुआ था, जो वो एक टेक्निक है तो जहाँ पे हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे ना उसका उसके। हाँ, स्टीरियो लिथोग्राफी ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। ये आपको स्टीरियो लिथोग्राफी जो आपको जो मशीन है ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड है ना? वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, वो मेथड टेक्निक है। हाँ हाँ, जैसे बोलते नहीं कि वेल्डिंग, तो वेल्डिंग तो भाई वेल्डिंग तो वेल्डिंग मशीन भी आ गया, वेल्डिंग प्रोसेस भी आ गया, वेल्डिंग टेक्निक भी तो है। ओके ओके, ठीक है, है ना, वेल्डिंग टेक्निक ही तो है। तो ये स्टीरियो लिथोग्राफी का पिछले बार भी मैं इसको आपको आपको रिपीट कर रहा हूँ। इसमें जो है देखिए, ये आपको प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको रहता है, और ये आपको लिक्विड रीजन है, रेजिन है, और आपको ये आपको सोलिडिफाइड रीजन है, जहां जहां पर लेजर बीम गिरेगा वो आपको सोलिडिफाई करता चला जाएगा, है ना? यहां पर आपको दिखा रहा है लेजर, तो लेजर कहने का मतलब है कि यहां पर लेजर प्रोड्यूसिंग मशीन है, यहां पर लेजर प्रोड्यूस किया जा रहा है ना? लेजर का जो यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये यहां पर लेजर प्रोड्यूसिंग मशीन है, लेजर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए तो कॉस्टली हो जा रहा है। कॉस्टली इसीलिए तो हो जा रहा है क्योंकि ये लेजर मशीन है ना, आपको कॉस्टली इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि ये आपको लेजर मशीन है, तो लेजर प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो है मशीन चाहिए, बड़े पैमाने पे मशीन चाहिए आपको, वो इसीलिए आपको जो है कॉस्टली हो जा रहा है ना? इसमें मैन पावर लगता है या नहीं सर? मैन पावर की यूज होती है, मैन पावर की यूज होती है इसमें? कौन सा पावर? मैन पावर, मैन पावर। देखिए मैन पावर पहले ही आपको सेट करने में लगेगा कि भाई मशीन को पहले सेट कर देना है। ऑपरेशन इसमें सारा जो है कंप्यूटराइज्ड है, इसमें ऑपरेशन को हैंडलिंग में आपको आपको बटन दबाना है। जैसे एक्सरे मशीन आपने देखा होगा, आदमी का क्या काम है वहां पे, आपको सिर्फ बटन ही तो दबाना है, ऊपर करना है, बटन दबाना है। तो ये यहां भी वही करना है कि भाई लेजर का जो है ऑन करना है, ऑफ करना है ना जी? लेजर को ऑन करना है, ऑफ करना है, उसको चेक करना है कि यहाँ पे लिक्विड रेजिन है कि नहीं है। तो ज्यादा मेन पावर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए जैसे ये फिर सर यहाँ पे नीचे जो है ये नीचे लिक्विड रेजिन जो है उसका यूज क्या है, वो क्यों यूज होता है वहाँ पे, जो क्यों रखा हुआ है?
उसी को सोलिडिफाई करता है ना लेयर बाय लेयर, आपको देखिए लेयर दिखा रहा है वो। तो सर वो फिर पाउडर क्या हुआ, ये लिक्विड रेजिन नहीं हुआ वो पाउडर जो यूज करते हैं हम? हाँ ये रेजिन जो है, रेजिन आपको जो प्लास्टिक मटेरियल है ना वही है रेजिन जो है ना, रेजिन ये एक तरह का जो है प्लास्टिक ग्रैनुलर है, ये आपको प्लास्टिक ग्रैनुलर मटेरियल है ये रेजिन जो हम पाउडर यूज कर रहे थे पीछे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपको पिस्टन है ना। देखिए जैसे जैसे आपका यहाँ पे बनता जाएगा, ये आपको धीरे धीरे आपको डाउन होता जाएगा। प्लेटफॉर्म पिस्टन है, ये सारा ऑटोमेटिक है, एक लेयर बनेगा आपको पिस्टन डाउन हो जाएगा, है ना। स्कैनर सिस्टम में जो आपको फिगर बनाना है, जिस तरह का बनाना है, वो आपको स्कैनर सिस्टम में आपको लगा रहेगा, है ना जी। दूसरा आपको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है ना, ये भी जो है आपको मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है, प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज किया जाता है और प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये जो आपको मटेरियल का स्पूल है ना, आपको यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये सपोर्ट मटेरियल स्पूल दिखाया गया है, और ये आपको बिल्ड प्लेटफॉर्म दिखाया गया, ये फॉर्म का बेस दिखाया गया, और ये पार्ट सपोर्ट्स दिखाया गया, ये आपको पार्ट जो बन रहा है ना वही आपको दिखाया गया, और ये जो जा रहा है ना आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। एक्सट्रूजन नोजल है ये आपको लिक्विफायर्स है, ये आपको ड्राइव व्हील्स है, ये आपको एक्सट्रूजन हेड है, ये आपको बिल्ड मटेरियल एलिमेंट है, ये आपको सपोर्ट मटेरियल आपको दिखा रहा है ना, है ना। ये आपको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है, इसमें जो है ना मेटल को फ्यूज कर दिया जाता है, और ये जिस तरह जाना है ना ये आपको आपको मूवमेंट करेगा और आपको डिपॉजिट करते जाएगा, लेयर आपको डिपॉजिट करते जाएगा, है ना, लेयर आपको डिपॉजिट करते जाएगा, और जैसे जैसे लेयर आपको डिपॉजिट होगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये आपको डाउन होता चला जाएगा, एक लेयर आपको बनाना तो ये आपको आपको नीचे चला जाएगा। है ना, फिगर आ गया, समझ में आ गया? इसका यूज हम क्यों करते हैं सर? नहीं वही तो है 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशंस, तो मैंने आपको आपको बताया ना कि ये सारे इंडस्ट्री में आपको, मैं कई प्रोडक्ट्स में आपको आपको पहले आपको दिखाई देता हूँ प्रोडक्ट्स आपको मैं दिखा देखिए व्हाट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड प्लान, इससे आप 3D प्रिंटिंग करके प्लान बना सकते हैं। है ना, 3D प्रिंटेड प्लान आपको दिखाया जा रहा है ना, ये 3D प्रिंटेड प्लान प्लान आप बना सकते हैं। यूज पूछ रहे हैं ना, तो ये देखिए आपको और भी यूज आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए 3D प्रिंटेड जाओ, ऐसा आप बना ही नहीं सकते, दूसरे मशीन में आप बना ही नहीं सकते, ठीक है सर, है ना, ऐसा आप दूसरे मशीन में आप बना ही नहीं सकते। हम इसीलिए आप पूछ रहे थे ना कि क्यों क्यों खरीदेंगे आपको ये, जब आपको ट्रेडिशनल में ही बन जाएगा तो हम क्यों लगाएंगे पैसे, क्यों लगाएंगे? वही तो मैं आपको कह रहा था, मैं भी तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का ही प्रोफेसर हूं, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स तो मेन है कि भाई आपको जब पैसा पैसा क्यों लगाएंगे, तो ये जो आपको है ना, है ना, ये आपको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है ना, ये आपको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है, आपको जो आपको मटेरियल स्पूल है ये आपको यहां से जाएगा, यहाँ पे आपको लिक्विफायर है वो आपको लिक्विफाई करेगा और यहाँ पर आपको ऐड करेगा धीरे धीरे लेयर में, आपको आपको गिरेगा, है ना, जिस तरह का आपको बनाना है यहाँ पे मूवमेंट होगा वो उस तरह जाएगा,
है ना, ये आपको यहाँ पे आपको फ्रीज डिपोजिशन मॉडलिंग वो आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको लेयर कंटूर है, ये है ना, ये आपको लेजर है, ये आपको मिरर है, ये आपको मूविंग ऑप्टिक्स हेड है, ये आपको लेजर गिरेगा, ये आपको लेयर कंटर है, ये आपको सीट मेटल है, और ये आपको हीटेड रोलर है ना, और ये आपको टेकअप रोल है, और ये आपको सप्लाई रोल है। इधर से सीट मेटल का आपको, इधर से आपको मटेरियल जाएगा, और यहाँ पे आपको लेजर गिरेगा, यहाँ पे आपको शेप बनेगा, फिर आपको यहाँ पे आपको रोलिंग हो जाएगा, ये आपको प्लेटफॉर्म है ना। ये आपको लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इज ए रोबोट प्रोटोटाइपिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द हेलनिक्स इन इट लेयर्स ऑफ द एडिसिव कोटेड पेपर प्लास्टिक और मेटल लेमिनेट्स आर सक्सेसफुली ग्लूड टुगेदर एंड कट टू द शेप विथ ए नाइफ और द लेजर कटर, है ना। ये आपको लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है ना सर। इसमें जो है मतलब यदि स्टीडियो लिथोग्राफी मशीन, देखिए हाँ आप बताइए, स्टीडियो लिथोग्राफी मशीन से ही सारा मतलब 3D प्रिंटिंग यदि बनाया जा सकता था, तो फिर इसको भी अलग अलग तरीके से क्यों डिवाइड किया गया? नहीं ये अलग है ना, ये देखिए यही आपको आपको लेमिनेटेड है, ये आपको शीट मेटल पे काम करेगा। स्टीडियो लिथोग्राफी वो जो था रेजिन के लिए था ना, वो देखिए लेजर तो यूज कर रहे हैं, प्रोसेस तो वही है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग ये, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ये, यहाँ पे देखिए शीट मेटल है, और यही यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, और लेजर कटर है, लेजर कटर है, ओके है ना, लेजर कटर है, और ये आपको लेयर काउंटर है, और हीटेड रोलर है ना, हीटेड रोलर चला देंगे फिर लेयर बन जाएगा, फिर इसको कट कर देंगे, है ना। है ना, यस सर, है ना। ये आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत टेक्निक है, और ये आपको डायमेंशन 3D प्रिंटर का मशीन आपको दिखाया जा रहा है। 3D प्रिंटर का जो स्पेसिफिकेशन है आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मशीन, ये आपको यहाँ पर आपको जो मशीन का स्पेसिफिकेशन है, बिल्ड इनवेलप है, साइज है, लेयर थिकनेस है, मॉडलिंग मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल है, आपको प्राइस आपको देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ना, प्राइस आपको बताया जा रहा है कि इतने कॉस्ट का है, ये $15,000 का है आपका, ये मशीन है आपको, है ना, प्राइस भी आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। प्राइस आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इस मशीन का, आपको ये आपको मैंने अभी भी दिखाया था, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड प्लान आपको यहाँ पे आपको बनाया गया है ना, कहीं असेंबली नहीं है, यही तो इसकी ब्यूटी है, असेंबली कहीं करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही पार्ट का बनेगा, आप तो आपको तो मजबूत होगा ही होगा वो, कहीं पे ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे नट बोल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, तो आपको मजबूत तो होगा ही, वो एक ही पार्ट का बनेगा तो, है ना। तो ये आपको बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, और 3D प्रिंटिंग कैपेबिलिटी क्या क्या है वो आपको यहां पे आपको बताया जा रहा है। As anticipated, this modern technology has suited the path for the numerous new possibility in the various field. Numerous new possibility, बहुत ज्यादा possibility को ये deal करता है, इससे हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, है ना?
सर्टन फील्ड में आपको एडवांटेजेस आपको 3D प्रिंटिंग का आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है. प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज करंटली द मेन यूज ऑफ द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है मेन आपको यूज है. दीज मशीन्स अलाउ डिजाइनर एंड इंजीनियर्स टू टेस्ट आउट आइडियाज फॉर द डायमेंशनल प्रोडक्ट्स कैपेबली कमिटिंग टू एक्सपेंसिव टूलिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. है ना. इन मेडिकल फील्ड सर्जन्स आर यूजिंग 3D प्रिंटिंग मशीन्स टू प्रिंट बॉडी पार्ट्स फॉर द रेफरेंस बिफोर द कॉम्प्लेक्स सर्जरी. अदर मशीन्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट बोन ग्राफ्ट ऑफ द पेशेंट हु हैव सफर्ड ट्रूमेटिक इंजरी. लुकिंग फर्दर इन द फ्यूचर रिसर्च इज अंडर वे एज साइंटिस्ट आर गोइंग फॉर द क्रिएटिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन्स. है ना. मेडिकल में भी इसका ऑर्गन को रिप्लेसमेंट में भी आपको इसका आपको यूज होगा. कॉम्प्लेक्स सर्जरी में आपको इसका आपको आपको यूज जो है आपका आ रहा है ना. अब तो चेंज हो गया. अब तो दिल्ली में मैंने देखा है कि जो है ना रोबोटिक्स भी आ गए हैं. रोबोटिक सर्जरी दिल्ली में भी होने लग गया है. रोबोटिक सर्जरी ना दिल्ली में भी जो है कई हॉस्पिटल्स में आ गए हैं. तो अब धीरे धीरे वो आपको आपको चेंज हो रहा है. वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा है. तो आर्किटेक्ट्स नीड टू क्रिएट मॉकअप फॉर देयर डिजाइंस. 3D प्रिंटिंग अलाउज देम टू कम अप विद दीज मॉकअप्स एंड शॉर्ट पीरियड टाइम एंड विद ए हाई डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी. आर्किटेक्ट्स के लिए जो है आपको काफी ये आपको फायदेमंद है. थ्री डी प्रिंटिंग अलाउ आर्टिस्ट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट दैट वुड बी इनक्रेडिबली डिफिकल्ट. कह रहा ना ये जो डिफिकल्ट आइटम है उसको बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का आपको आपको यूज किया जा रहा है. कॉस्टली और टाइम इंटेंसिव यूजिंग द ट्रेडिशनल प्रोसेस. जो आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस में आपको डिफिकल्ट है बनाने में वो आपको 3D प्रिंटिंग से आपको आपको इस उसके लिए यूज किया जाता है ना. 3D प्रिंटिंग का आपको जो है आपको बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है. For many products, the standard conveyors can be greatly reduced or completely replaced by the 3D printer. है ना. 3D printer से आपको रिड्यूस कर देगा. देखिए यहां पर आपको ईयर वाइज आपको इंक्रीज आपको दिखाया जा रहा है ना. कैसे आपको 3D प्रिंटिंग का आपको ग्रोथ हो रहा है. Thousands of individual parts will be produced in one process. है ना. आपको कैसे ग्रोथ हो रहा है. एक साइड में डॉलर आपको दिखाया जा रहा है. दूसरी साइड में ईयर आपको दिखाया जा रहा है. कैसे जो 3D प्रिंटिंग जो है वर्ल्ड में आपको ग्रोथ कर रहा है ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना. 3D प्रिंटिंग का ग्रोथ जो है वर्ल्ड वाइड आपको हो रहा है ना. इसका सक्सेस स्टोरी आपको कहां कहां पर आपको 3D प्रिंटिंग का है ये वो आपको यहां पर आपको बताते हैं. ऑटो पार्ट्स फॉर्मूला वन कार इंजन आर मेड बाय द डायरेक्ट लेजर सेंटरिंग ऑफ द मटेरियल. फॉर्मूला वन का जो कार इंजन है ना आपको इसी से बनता है ना. फॉर्मूला वन का जो कार इंजन है आपको इसी से बनता है. सर इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है. हाँ ड्यूरेबल है ये. काफी स्ट्रॉन्ग है ये इसमें इसमें पाउडर है तो आपको आपको बोला नहीं कि मैंने आप पाउडर मेटलर्जी का यूज कर सकते हैं. सिरामिक्स मिला सकते हैं. कोई भी पाउडर आपको इसमें आप मिक्स कर सकते हैं इसमें. ऐसा सुनिए सर जॉइंट्स कहाँ है. अरे वही तो मैं आपको दिखाया. मैं आपको दिखाया नहीं इसमें जॉइंट्स कहाँ है. मतलब जो उसके वो होते हैं सर. हाँ जॉइंट्स है. ज्वाइंट्स है ही नहीं ना. वही तो मैं इसको आपको आपको जो मैं इसका आपको जो खूबसूरती बता रहा हूँ कि वो यही तो बोल रहा हूँ कि इसमें असेंबली नहीं है. असेंबली आपको करना ही नहीं है. एक ही प्रोडक्ट बनेगा. कई प्रोडक्ट पार्ट्स में नहीं है. अरे कई प्रोडक्ट मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना. देखिए आप जो है देखिए देखिए यहाँ पे आपको 3D प्रिंटर है ये आपको दिखा रहा है ना. जॉइंट्स कहाँ है.
देखिए इस तरह का ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, इसे ये बना ले रहे हैं, ये बना ले रहे हैं, इसमें ज्वाइंट कहाँ है? ये तो सारे आपको ये आपको गियर बन जा रहा है ना। देखिए हाँ बिल्कुल ड्यूरेबल है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है भाई। आप जिस मटेरियल का, आप मान लीजिए प्लास्टिक का बनाते हैं, तो वो तो प्लास्टिक का जो स्ट्रेंथ है वही तो रहेगा। आप ज्वाइंट करेंगे तभी ना वहां पे टूटने का चांस रहता है, कि मैं यहाँ पे नट बोल्ट लगाया वहां पे आपको कमजोर हो जाएगा। भाई आप जिस जो सा जो मटेरियल यूज करेंगे उसका पूरा स्ट्रेंथ देगा ये, और चूंकि ये कंप्लीटली एक एक बॉडी है तो ये ज्यादा आपको स्ट्रेंथ आएगा ना, ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा, और इसमें आपको एक्यूरेसी ज्यादा है, फिनिशिंग ज्यादा है, आपको हर तरह से अपीयरेंस ज्यादा है ना। यस सर, ये आपको वर्ल्ड वाइड जो है ना आपको इम्प्रूव कर रहा है। अब जो है इसको सभी जगह जो है आपको ग्रो कर रहा है, और इसका यूज जो है ना अब जो है धीरे धीरे जो है काफी बढ़ रहा है ना। तो ये मैं आपको इसमें आपको दिखाया था कि और जो है ना ये फ्यूचर में आपको इसका सक्सेस स्टोरी मैं आपको आपको बता रहा था। देखिए F-18 का जो फाइट एयरक्राफ्ट ट्यूब है ना फॉर कंट्रोल सिस्टम एनवायरमेंट, इसी से बनता है। इंडिविजुअल ऑर्थोडोंटिक्स में द कंपनी एलायंस टेक्नोलॉजी यूजेज 3D प्रिंटिंग टू जनरेट द एक्यूरेट इंडिविजुअल डेंटल ब्रशेस फॉर द हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द पेशेंट वर्ल्ड वाइड बाय द स्टीरियोलिथोग्राफी फ्रॉम द 3D स्कैन्स ऑफ द माउथ, है ना। इंडिविजुअल हियरिंग डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी सीमेंस एंड द फोनक बेस्ड ऑन द 3D स्कैन ऑफ द ईयर कैनल, है ना। ये आपको स्पेशल सक्सेस स्टोरी है जो आपको यहाँ पर आपको आपको बता रहा है यार, है ना, स्पेशल सक्सेस स्टोरी है। देखिए ये आपको ये मैं आपको दिखाया था कि ये पार्ट आप दूसरे से नहीं बना सकते, है ना। 3D प्रिंटिंग जॉ है ह्यूमन का पार्ट्स का, आपको ये बनाना है तो आप दूसरे से आप नहीं बना सकते, ये आपको 3D प्रिंटिंग में ही बनेगा, 3D प्रिंटेड जॉ है, ना। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये आपको बहुत ही एक्सेलेंट और ब्यूटीफुल टेक्निक है, है ना। तो दीज आर द रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, आपको रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है और नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडस्ट्री। दूसरा इंडस्ट्री में भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, जैसे आपको मैं आपको CNC लेथ के लिए आपको बात कर रहा था, तो उसमें तो रिस्ट्रिक्शन है ना कि आपको मेटल पे काम करना है, यहां तो मेटल का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री में इसके काम कर सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको साइकिल आपको कम कर देगा। कंप्यूटर बेस्ड आपको कैड मॉडल आप बना लीजिए, कैड मॉडल बना लीजिए और उसको आप उसको यूज कर लीजिए। फुल इफेक्ट्स ऑन द बिजनेस एंड सोसाइटी स्टिल नॉट नो, इसका बिजनेस और सोसाइटी पे ना काफी ज्यादा इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, एंड दिस इज द रेसिस्टेंस टू चेंज, है ना। ये आपको जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपको था वो, है ना, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा, अटेंडेंस आपका ले लेता हूँ। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, सानू राज इज प्रेजेंट जी, सानू राज जी आपका आपका रोल नंबर कितना है?
शानुराज जी आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, आप रोल नंबर बताइए। दूसरे नाम से सर, निशिकांत रंजन। क्या नाम है? निशिकांत रंजन। निशिकांत रंजन, नहीं आपका नाम, आपका नहीं, निशिकांत रंजन जी। जी अपना जो आपका मेरा मोबाइल नंबर आपको जानकारी होगा, आप जो है ना उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना? तो हाँ, आप जो है ना अपना नाम रोल नंबर इसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसको ऐड कर लूंगा, रजिस्टर में ऐड कर लूंगा। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, रोहित कुमार जी 35 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, है ना? फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं। सानू जी आप मोबाइल नंबर हमारा वो नोट्स में अगर हम भी है, आप उसको अपना नाम और रोल नंबर उसको जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसको रजिस्टर में एंट्री कर लूंगा। जो प्रेजेंट है मैं आपको बता देता हूं, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, रोहित कुमार जैन जी 35 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट एंड शानुराज जी इज प्रेजेंट, है ना? तो आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में आपको मैं आज उसको बता रहा था। तो